उसी तरह जीवन में एक सील बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है और सील का पालन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इतना आत्मा का विकास करता है कि उसका हम वर्णन पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि दश धर्म में अंतिम धर्म रखा है उत्तम ब्रह्मचर्य। ये जो शब्द है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर देखने के लिए बाध्य करता है। जब ब्रह्मचर्य एक शब्द होता है कि अपनी आत्मा में लीन रहने के लिए आचरण करने वालों के लिए, और जितने जितने लोगों ने ये सील का पालन किया है उतने उतने उनका विकास हो गया है। और पुराणों में कहानी सिर्फ सील के कारण ही ऐसे ऐसे लोगों के वर्णन मिलता है कि जिनदत्ता जिनदत्त है, क्यों जिन्होंने शादी करके भी पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत पाला, वे जयकुमार जो सेनापति थे उनके बारे में आता है। सुदर्शन से सदार संतोष में उनका आता है। तो प्रत्येक के चरित्र पढ़ने के बाद एक गृहस्थ भी अपने जीवन में इस सील के द्वारा कितना विकास करता है इसके बारे में शास्त्रों में विषय भरा हुआ है। और ये हमारे सामने प्रत्येक श्रावक के लिए, श्रावकों का और मुनियों के लिए, मुनियों का उदाहरण देकर यहाँ हमारे सामने विषय रखते हैं। और इसलिए सदगति का कारण है सील और विषय दुर्गति का कारण है, और तप कर्म नाशाय विनाशाय। जब तक तप नहीं करते तब तक कार्य नहीं होता। तपे बिना भूमि उपजाऊ नहीं बनती। उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को तप करने के लिए कहा है। मुनिराज तो करते हैं, लेकिन श्रावक के लिए भी षट कर्म में तप भी शब्द आता है। और उनको कहा है शक्ति के अनुसार आपको तप करना है। किसी भी कौन सी भी वस्तु को शुद्ध बनाना है तो तपाए बिना वो शुद्धता उसकी नहीं होती। और कहीं कहीं वस्तु बर्तन होता है, बर्तन को राख से साफ कर सकते, कहीं वस्तु को साबुन से साफ कर सकते, लेकिन एक वो मिट्टी का बर्तन ऐसा होता है कि मिट्टी के बर्तन में अगर अंदर कुछ रखा है उस वस्तु को निकालने के बाद उसको शुद्ध करना है तो वे माटी के यानी मिट्टी के द्वारा या जल के द्वारा नहीं होता, उसको क्या करना पड़ता है, अग्नि पर उल्टा ही रखना पड़ता है। जब अग्नि पर उसको उल्टा रखते तो वह अग्नि का कण कण कोने कोने तक पहुंच जाता है, और कोने कोने में जब तप उष्मा पहुंचती है तब जाकर वह बर्तन क्या होता है, साफ होता है। उसी तरह हमारे आत्मा में अनादि काल से जो कर्म है उसको हमें तप के बिना कार्य नहीं होता। जैसे दश लक्षण में बता कर आए कि कच्चा जो बर्तन होता है मिट्टी का वह टिक नहीं पाता, लेकिन अग्नि का संस्कार मिलते ही वह बर्तन पानी रखने के योग्य होता है। तो उसी तरह प्रत्येक आत्मा को तप करने को ही कहा है, उसके बिना कर्म का विनाश नहीं होता। और चौथा बताते भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी, दोनों कार्य हो सकता है। अच्छे भाव हो तो भवानी संसार का नाश भी हो सकता है, और बुरे भाव हो जाए तो भव का क्या होता है, विकास ही होता है, वर्धन ही होता है। और इस बात को बताते हुए आचार्य हम लोगों को कहते हैं, अब एक बार ऐसी भावना भाव आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि भावयामी भवा अवर्ते भावना प्राग भाविता भावी भावितो नेपि भवा भावाय भावना,
कि हे प्रभु, अब मैं इस संसार के भंवर में अटकने वाले पहले आए हुए भावनाओं को नहीं भावूंगा। अनादिकाल से संसार में जो मेरी आत्मा रही उसका कारण है मैंने भावना अच्छी नहीं भाई थी, अब वो मैं भावना नहीं भावूंगा। मैं ऐसी भावना भाता हूं जो पहले कभी भाया नहीं था। जैसे एक बार बताए थे, आत्मा का कल्याण करना है, क्या करना? कुछ नहीं करना, जो अभी तक किया वो नहीं करना। क्या करना? जो अभी तक किया है वो नहीं करना, तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तो पहले कभी नहीं भाइए, और जिन भावनाओं से भव का अभाव हो वही भावना में भाता हूं, ऐसे भाव आचार्य कहते इस भावना को जब भाएंगे तब कार्य होगा, अगर नहीं करेंगे तो आखिर, क्योंकि मनुष्य मनेव मनुष्याणां कारण बंध मोक्षय, मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। मन के द्वारा कर्म का बंध भी होता है, मन के द्वारा पुण्य होता है, मन के द्वारा पाप होता है, और मन के द्वारा मोक्ष भी हो जाता है। तो ऐसे भाव प्राप्त करना है कि मनुष्य मन से ही संसार के बंधन में फंसता जाता है, और मन से ही वहाँ बुरे भाव करने से फंसता जाता है, और अच्छे भाव करते ही उसका विकास हो जाता है। इसीलिए कहते संसार किसे कहते हैं? तो नीतिकार कहते हैं, चित्त में वही संसार रागादि क्लेश वासनम, यानी मन ही संसार है, और मन में जो राग द्वेष क्लेश आदि जो भावना है वही संसार है। संसार बाहर नहीं, हमारे मन में जो राग द्वेष हो रहे क्लेश हो रहे यही संसार है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और संसार मन में है, वह कहीं बाहर नहीं होता, और इसीलिए मकान आदि बाहर है, ये निर्जीव है। ऐसे निर्जीव पदार्थ भी हम हमारे मन में रखने के कारण ये संसार का कारण बताए। और तीरेंच गति में ऐसे परिग्रह नहीं है तो भी वहाँ आकांक्षा उसकी संज्ञा उसके पास रहती है, ऐसा नहीं समझना भिखारी है उसके पास परिग्रह नहीं, वो तो सबसे ज्यादा भावना भाता। किसी के बिल्डिंग में भीख मांगने के लिए भी बैठा है तो भी सोचता है सामने से गाड़ी जाती तो ऐसी गाड़ी मुझे कब मिलेगी, और जिस बिल्डिंग के पास बैठे हो कहते हैं ऐसी बिल्डिंग मुझे कब मिलेगी, रहता है दूसरी जगह ऐसे स्टैंड पर या कहीं रहता है, लेकिन अभी भी भावना बहुत होती है। और इस भावना को लेके कहते हैं मन के द्वारा ही हम कर्म का बंध करते रहते, इसलिए मन के द्वारा ही उसको हमें धोना पड़ता है। जैसे शरीर को लगा हुआ कीचड़ को धोने के लिए पानी चाहिए, और कीचड़ भी किसके द्वारा बनता है? पानी के द्वारा बनता है। इस उदाहरण के द्वारा कहते उन्नतम मानसम यश्च भाग्यम तस समुन्नतम, जिसका मन पवित्र है वही व्यक्ति ऊंचा है, और जिसका मन पवित्र नहीं है वो कितने भी बड़ी जगह भी रहे तो उसकी नीचता ही माना जाता है, क्योंकि उसका भाग्य भी ऊंचा होता है। जिसका मन पवित्र होता है उसका वह भाग्य भी ऊंचा होता है, और जिसका मन नीचा होता है उसका भाग्य भी नीचा होता है। इसीलिए अपने भाग्य को उज्ज्वल बनाना है। इसलिए छड़ालाकार प्रारंभ में बताते मंगलाचरण में कुछ नहीं करना, नमो त्रियोग संहार के, किसको संभालना? मन वचन काय को, जीवन में इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। एक मन को संभालना, एक वचन को,
और काय को, ये तीनों को संभालने के कारण कार्य होता है। और मन के शुद्ध हो जाने पर शुद्ध वचनों का तथा पवित्र कार्यों का उदय होता है। तो भावना माता के तुल्य है। और जिसका हृदय, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को जन्म देती है, उसी प्रकार वह भावना भी वैराग्य को जन्म देती है। इसीलिए छड़ालाकार कहते हैं कि वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा माई, अने वैराग्य की उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा माई। और इस भाव को मानसिक अथवा आत्मा का भाव या परिणाम होता है। और ऐसे तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में कहते हैं कि वे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तुलसीदास लिखते हैं कि सुखी व निरोग बनने के लिए आपने दवा का जो जिस प्रकार या उपयोग करते, वैसे उस दवा को तैयार करते समय भावनाओं को देखकर तैयार करके उसका सेवन किया जाता है। जो आयुर्वेदिक दवाई बनती है उसका नियम होता है, इतने बार घुमाने के बाद ही वो दवा कार्यकारी होती है। तो ये भावना उस प्रत्येक कण कण में अभी से भावना डाली जा रही है। और अपनी आत्मोन्नति की मूर्ति के वैसे ही दर्शन होता है। तब फिर जिनेंद्र जैसे महान वैद्यराज के द्वारा बताई गई भावनाओं को दे देकर संसार के रोग का निवारण किया है। हमें जो भावना बताई वो सामान्य व्यक्ति ने नहीं बताई, जिनेंद्र भगवान ने हम लोगों को भावना बताई। और वह भावना बताकर हमारे, इसीलिए वे एक महान वैद्यराज है, हमारे अनादिकाल की बीमारी को मिटाने वाले और भावनाओं को दे देकर संसारों का निवारण। इसीलिए यहाँ प्रयत्नशील रोगी की स्वस्थता में दिन प्रतिदिन प्रतिपल जो भी वृद्धि होती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि भावना से परिणाम में शुद्धता आती है। भावनाओं से परिणाम में शुद्धता आती है और शुद्धता से भव का नाश होता है। इसीलिए जितने परिणाम बिगड़ते उतना व्यक्ति रोगी बनता है, नियम है। रोग पहला मन में आ जाता है, बाद में तन में प्रवेश कर देता है। इसीलिए मन को सदा प्रसन्न रखना पड़ता है, मन को विषयों से बचाना पड़ता है। और जितना वो प्रसन्न रहेगा और उसके द्वारा कार्य होगा, क्योंकि हर जीव अपने विचारों से ही अच्छा और बुरा बनता रहता है। इस बात को कहते हैं कि परिणाम मेव कारण माहु खरु पुण्य पापोय पापायो प्राज्ञा ऐसे करशे। कहते हुए पुरुषार्थ सिद्धिपाय में कहते हैं कि मनुष्य जैसे अच्छे और बुरे विचार करता है वैसा स्वयं बना रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि विचार मनुष्य का एक सूक्ष्म जीवन है, विचार मनुष्य का एक सूक्ष्म जीवन है। तो कार्य कारण उसका स्थूल रूपे रहता है। और मनुष्य का मन एक समुद्र सरका है, जिसके कि विचार